दोस्तों अभी हम लोग आए हुए थे सारनाथ में, तो ये उसका मेन गेट है। अब यहाँ से देखिए आप लोग नज़ारा देखिए, और आप लोग देख सकते हैं कितनी बड़ी उनकी स्टैचू बनी हुई है। देखिए काफ़ी ज़्यादा हाइट है उसकी, और बाकी बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं दूर दूर से देखने के लिए। यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ। म्यूज़ियम भी है काफ़ी कुछ है यहाँ पर। जी हाँ, जो इनके फॉलोअर हैं बौद्ध धर्म के, वो काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो अभी चल रहे हैं आगे की तरफ। तो अभी बाकी सभी लोग कर रहे हैं फ़ोटोशूट, तो हम लोग जा रहे हैं आगे देखने के लिए कि क्या नज़ारा है यहाँ का। फ़ोटोशूट तो होता ही रहता है, लेकिन अभी कुछ मूवमेंट कैप्चर कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको इंटरेस्ट लगे वीडियो में। तो अभी दिखाता हूँ आपको लाइव, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए इधर चलें पहले, ये देखिए कौन है, गौतम बुद्ध कौन है, गौतम बुद्ध। इधर चलें, तो अभी चल रहे हैं आगे की तरफ। आगे नहीं पीछे की तरफ, पीछे। हाँ मंदिर पीछे, ज़्यादा नहीं रुकेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे यार। वही ना, मोबाइल भी है कितनी। हाँ 500 बजने वाले हैं। ये देखिए कमल के फूल हैं, ये है भाई, ये पता नहीं कमल के फूल हैं यार, पर्पल कलर के। हाँ कमल के। ये देखो स्टैचू, कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। आओ ऑटो मेकअप के मंदिर है क्या? ले कर आओ। ये क्या कोई नई चीज दिख रही है लेने के लिए, वो ले लेते। ये क्या हाँ, तो चल रहे भट्टे, चले दोस्तों हम जा रहे हैं भट्टे पे। यही पास में आओ भट्टे पे, इससे ज्यादा भीड़ थी वहाँ पे। दोस्तों ये पड़ता है एक चौखंडी स्टूप है, स्टेप जो भी बोलते हैं इसको, तो इसके अंदर आए हुए हैं अभी हम। 20 का टिकट है यहाँ का, वहाँ का कोई टिकट नहीं था जहाँ पहले गए थे, लेकिन यहाँ थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। और तोते बैठे हैं, ध्यान से देखो, तो ऊपर देखो उसके ऊपर, हरे दिख गए दोनों, और बैठे हैं अलग को देखो, कितने सारे तोते बैठे हैं साइड को देखो, और बैठे हैं देखो। तो इसके ऊपर हमको पैरट दिखाई दे रहे हैं, हरे कलर के, हरे ही होते हैं वैसे, लेकिन हमको दिखाई हरे दे रहे हैं यार। तोते तो चढ़े पड़े, हम मना कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कितना शानदार ये बना हुआ है पार्क, इतना प्यारा नज़ारा यहाँ का। देखिए चारों तरफ हरियाली हरियाली, अरे बहुत लंबा उधर को जाएंगे, पीछे देखो ये तो 20 रुपये लिए, इधर को चढ़ जाएंगे ऊपर को। यहाँ भी घर आ गए, हमारा क्या काम है यहाँ पर, क्या काम है इतनी दूर से आए, मतलब 50 रुपये तो 100 रुपये तो टिकट ही उसके चलेगा, क्या नाम है ऑटो के, अभी तो इधर से और जाएंगे 100। तो अब इसके हम दूसरी साइड आ चुके हैं, देखिए बैक साइड मतलब, तो उसकी इसकी दीवार तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वाइड है, बहुत ज़्यादा मोटी बनी हुई है दीवार। जी हाँ ये आप लोग देख रहे हैं, देखिए ऊपर से मैंने देखा तो मतलब होगी कम से कम, ये 9 इंची होती है अपने यहाँ, तो उसकी मतलब 5 से 6 गुना होगी ये। और वो टैंक है पानी का, देखो भाई पानी टैंक है। और यहाँ पर मस्त बनी वीडियो, ये कौन से पौधे लगे हुए हैं। तो अभी ले रहे हैं यहाँ से एग्जिट और जा रहे हैं बाहर। कहाँ जाना है अब, कुएं पे क्या, यहाँ पे थोड़ी है वो, अरे हम उस पर चल रहे हैं अब 7 मंजिल पे, है नी 7 मंजिल पे चल रहे हैं अब। तो हम लोग जाना 7 मंजिल पर, एक बिल्डिंग है वहाँ की काफ़ी फेमस जगह है, तो आप लोगों को दिखाते हैं वो क्या है। अभी जा रहे हैं टर्री में, टर्री में बैठते हैं और पहुँचते हैं अपनी मंजिल पर। विशाल मंदिर है देखो, रात में देखो लड़ाई चल रही। तो हम लोग पहुँच चुके हैं उस शानदार जगह पर, देखिए जहाँ का हमें तलाश थी इतने लंबा सफ़र करने के बाद। देखो भीड़ कितनी यहाँ पे, मेन गेट तो यही है आगे, देखो भाई
देखो कितनी भीड़ है देखो तो विशाल मंदिर बना वीडियो स्टोरी भी लगा लो यहाँ की तो अभी शाम के लगभग 6 बज चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ का शानदार नज़ारा देखिए। नेचुरल लाइट थोड़ी कम हो चुकी है लेकिन कुछ देर बाद यहाँ की लाइट जल जाएगी तब आप लोगों को पता चलेगा यहाँ का कितना शानदार नज़ारा। बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये मंदिर जो भी है देखिए आप लोग देख सकते हैं सर्ववेद महामंदिर धाम है इस नाम का। अभी अंदर भी जाऊँगा अंदर का दर्शन भी मैं आपको कराऊँगा और आप लोग भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है देखिए। और ये अनिल भाई फुल मज़ा लेते हुए मंदिर का वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं आ रहे हैं यहाँ को। हाँ तो राजेश भाई बताइए आपको नज़ारा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया हुआ का व्यू भी थोड़ा सा प्यारा है। अभी तो अंदर गए नहीं है अंदर ही जाएंगे अभी थोड़ा लाइट वगैरह कम हो जाएगी ना कि फिर अंदर जाएंगे हम तो थोड़ा बाहर का मज़े ले रहे हैं यहाँ पे अभी और इसके ऊपर लाइट जलेगी वो भी आपको दिखाएंगे इसका व्यू कि कैसे लगेगा लाइट जलेगी तो यहाँ। और इस मंदिर की खास बात क्या है आप बता सकते हैं? खास बात जो ये जो फेमस है ना ये मेडिटेशन के लिए जो फेमस है जी हाँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई इसका चार्ज नहीं है ना एंटी चार्ज है किसी भी चीज़ का ना आप जूते वगैरह किसी का कोई चार्ज नहीं। आप लोगों को ये बताना चाहेंगे मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? ये तो नॉर्मली सी बात है सब लोग जानते हैं ध्यान करना होता है लेकिन जो लोग ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर सब कुछ। आप भी नहीं कर रहे पिकनिक स्पॉट बन चुका है लोग आप भी नहीं कर रहे हो आप भी बहुत मजे ले रहे हो। नहीं हमारा तो वीडियो बनाने का काम है हम तो वही करना है बाकी हमारे क्रू मेंबर आ गए हैं उनके पास चलना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें राजेश भाई बहुत पैसा कमा चुके हैं यूट्यूब से। हाँ तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और इसका जलने का समय शुरू होने वाला ही है अब और ये पूरा मंदिर रात को बहुत ही सुंदर लगता है जलने के बाद आप लोग देख सकते हैं। देखो यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही है और ये सिर्फ हम मस्ती करता हुआ लेडीज बैग बनारसी बैग ये बनारसी बैग है लेडीज। और राजेश भाई आप बताओ आपको फोटो खींच के कैसा लग रहा है? फोटो खींच के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है फर्स्ट टाइम फोटो खींचा मैंने आज इससे पहले कभी फोटो नहीं खींचा था। बता भाई तू क्या कर रहा है? भाई मैंने लेडीज बैग लिया ये और ये ऐसे डालने के ताई तो घूमने के ताई। आप तो इसके बारे में बताएंगे ना वो खाली देख पाएंगे बस आके यूं तो यहाँ पे आ रही है इतनी अंधेर होगा इतनी मेरे को तो कोई काम नहीं है साला जहाँ देखो फोटो इसे कुछ काम नहीं है आके फोटो खींच नहीं है। राजेश भाई बताओ ये बात सच है मैं फोटो खींच रहा हूँ मैं ब्लॉग तैयार कर रहा हूँ एक जगह चार फोटो खींचता सही बात नहीं ऐसी बात नहीं है। मन हो जाएगा ये भी नहीं अच्छे ऊपर जाने को नहीं अभी हाँ मेडिटेशन तो कर लो भाई मेन पर्पस तो मेडिटेशन है यहाँ का मेडिटेशन है यहाँ पर फोटोग्राफी करे जा रहे हैं नहीं फोटोग्राफी चलती भाई फोटोग्राफी हमारे ब्लॉग में आओगे तो आपको क्या क्या नहीं पता चलेगा आपको सब कुछ पता चलेगा हमारे ब्लॉग में आओगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा। इस मंदिर के बारे में किसी नहीं बताया होगा हम बताएंगे आपको। इस मंदिर में सिर्फ इसका व्यू देखो आप झूमर का तो शानदार यहाँ लोग आकर यहाँ लोग आकर ध्यान लगाते हैं लेकिन यहाँ पर दिख नहीं रहा कोई भी देखो ध्यान लगाता हुआ आप देख सकते हो। Thank you.
आज है हमारा डे टू, हम जा रहे हैं वापस से काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए। मॉर्निंग के भी 4 बज रहे हैं। जी हाँ, 2 बजे उठ गए थे सभी लोग, पीछे आ रहे हैं और बाकी कुछ लोग आगे जा रहे हैं। देख सकते हो आप लोग कितने ज़्यादा मतलब अंधेरा है। चारों तरफ से रास्ते बताओ, मंदिर के अंदर जाने चारों तरफ से। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 4:30। देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के बाहर। देखिए बाहर से ये देखिए कॉरिडोर गेट, यहाँ से एंट्री। देखिए तो अभी 6 बज चुके हैं और 1.5 घंटे में हम लोग आ चुके हैं मंदिर से दर्शन करके। तो अभी हम वापस से जा रहे हैं गेट नंबर 2 पर, ये गोदलिया मार्केट से होते हुए 4 नंबर गेट से वापस आ गए। अब 2 नंबर गेट से फिर से जा रहे हैं। अभी दुकानें नहीं खुली हैं। देखिए तो मार्केट में लोग सड़क किनारे सामान बेच रहे हैं, सड़क किनारे वही दुकान खुली है सिर्फ। अभी कपड़े ही बिक रहे हैं भाई, टॉयज भी बिक रहे हैं। अंग्रेज बारिश से कम बड़ी बाढ़ जैसे आ रहे हैं अभी है नहीं। पिछली बार कितने थे और नाव में कितने घूम रहे थे नाव में। तो अभी वापस से उसी लोकेशन पर जहाँ पर हम कल थे, सब लाइव जा रहे हैं। यहीं पे खड़े थे हम कल। तो आज फिर से आ गए हैं गिरना द्वार पर। कल आए थे, कल इस साइड नहीं आए थे लेकिन आज आए साइड। दिखाता हूँ अभी मंदिर का व्यू, गंगा जी का देखिए। देखिए आप लोग गंगा जी देख सकते हैं यहाँ से मंदिर को। 12 बजे ट्रेन है। देखिए कितनी तेज चल रहा पानी गंगा जी का जल। नाव भी एक भी नहीं चल रही लो इसे। आओ चलो आओ इधर दिखा दें। देखिए मणिकर्णी का घाट तो पीछे है, यहाँ से खड़े बनाओ वीडियो। जूते निकालने पड़ेंगे क्या यार है भाई। कहाँ पर बुलाया क्या बताओ।
दोस्तों हम लोग चले गए थे गेट नंबर 4 से दर्शन करने के लिए, फिर अभिषेक ने हमें गेट नंबर 2 पर बुलाया हमें दर्शन करने। हम सबसे पहले हम ही आए थे यहाँ पे और हमें मौका आया था, फिर भी हम रुके नहीं यहाँ पर और हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हमें और एक नंबर गेट तो बिल्कुल खाली था। और देखिए जल का स्तर पहले से कितना बढ़ चुका है। जब यहाँ पर पानी ज़्यादा हो जाता है ना तो ये वाली नावें बंद हो जाती हैं छोटी मोटी, तो चलते हैं फिर। ये जहाज क्रूज बोलते हैं इसको, देखिए ये डूब गया तो क्या होगा। देखिए सब हमें देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए जहाज में जितने लोग बैठे हैं। बाहर चले तो गार्ड साफ करें, बाहर चलिए। कौन कह रहे हो? गार्ड साहब ने बाहर निकाल दिया सबको, बोल रहे हैं बाहर चलिए। तो भाई साहब सबको बाहर निकाला आ रहे हैं यहाँ से, बहुत देर होगी खड़े खड़े। अब जा रहे हैं दूसरी साइड, देखो ओए ओए बोल रहे हैं यहाँ पर ओए। तो अभी जाना दूसरी साइड, दिखाते हैं उधर से नज़ारा। ये मैंने ये माला खरीदी थी ऐसी कई सारी 3-4, वो भी कुछ खरीदी। तो मैंने सोचा पहन के देख लेता हूँ कैसी लग रही है, आप लोग बताएं। अच्छी लग रही है काफ़ी, तो मैंने सोचा वीडियो शूट कर रहा था तो उसको लगा लेता हूँ। पीछे भारत माता मंदिर है देखिए, वॉइस थोड़ा कम भी आ रहा होगा तो उसको घर जाके उसको ठीक करूँगा। तो कछुआ भी कछुआ है नहीं? हाँ 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 कछु दिख गया, ठीक गया। अभी सबसे पहले पैसे मंदे उठवा, जब फट जाएगा पैसे तो भाग जाना है नहीं। ना हम तो दूसरे जाना रहते हैं तुरंत। आओ आओ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर संकट मोचन मंदिर है, यहाँ राम जी का संकट मोचन मंदिर है। जहाँ भी घूम रहे हैं चारों तरफ घूम रहे हैं, अंदर चल रहे हैं जाएंगे। तो यार मोबाइल लगा कर जा रहे हैं, देखो जाया सीधे मंदिर में जाएंगे। जा रहे हैं बी एच यू में भैया, ये ना लग गया वाला मंदिर यार वो। हाँ कहाँ पे बड़ी कम भीड़ है।
तीन एरिया ये मौसम में जुड़ने नहीं रहा। राजेश भाई चेक कर दोगे? अनिल भाई कहाँ हैं? ठंडा पानी नहीं मिला। छोटे छोटे बच्चे उदास आना दिन धर्मभूमि कर रहे हैं प्रचार। चिल्ले पानी लो भाई। देखो अच्छा ये सब ऊंची नहीं है, ये तो और ऊंचा है। फाइनल ये करेंगे ना, खाड़ी बहुत बढ़ गया है। अनिल भाई निकल वाली ये वाली कौन सी निकलवाइए? निकलवा रहे हैं कौन सी? ये क्या ये वाली ना, तो यही सही है, यही सही है ना। ये दोनों रेंज बैक कर दो भाई, झाड़ू राजू झोला दो क्या दिया तो आप ले कहा रहे हैं? यह है फिरोजी, फिरोजी है ये सेम है, ये अच्छी लग रही है ना। आसमानी तो ये अच्छी लग रही है ना, ये रखे लेंगे। साफ का कपड़ा है इसमें भी और है और में यहां यही कलर आप वो भी कहीं ब्लैक तो बनी थी एक ये ले और ये ले लो सब ये ले लो देख लो अगला है ये सेंड देख लो चेक करो ये चेक करो आप पकड़ लीजिए हम चेक कर ऐसे मत करिए यहां पे यहां एक बार लाइट नहीं मिल रही क्या दोस्तों? अभी हमें लगा तीन दिन हो चुके हैं और अभी लग रहा है 11 बज गए हैं और हम लोग जा रहे हैं वापस स्टेशन। हमारी ट्रेन है कितने बजे? 12:45 की हमारी ट्रेन है, तो अभी लंच करेंगे स्टेशन पर जाकर, क्योंकि इतना घूम रहे थे खाने का मौका ही नहीं मिला। बैग लोग देख सकते हैं, मतलब सबने इतनी शॉपिंग करी कि बैग भर गए। देखिए बैग का बैग लगे थे, पहले नहीं था इसमें सारा शॉपिंग का सामान है। शॉपिंग क्या खरीदा भाई? दो साड़ी खरीदी हम अपनी मम्मी के लिए। देखो ये इनका सारा शॉपिंग का सामान हो जा रहा है बैग में, और ये दो बोतल खरीदी हैं बिस्लेरी की है और एक एक कैंट की। देखो दो बोतलें खरीदी हैं। सारनाथ किस पे आएगी यार, कुछ बता रहे हैं?
एक्सीलरेटर